हेलो एवरीवन, आज हम कोरियन चिली बनाने जा रहे हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके लिए हम तैयारी किए हैं, आलू उबाल लिए हैं, इसको इस तरह से चोखा बना लिए हैं और उसके बाद ये छन्नी में डाल के और महीन महीन निकाल रहे हैं ताकि चिकना रहे, ताकि बनाने में फटे नहीं। इस तरह से इसको ऐसे करते जाइएगा और नीचे से महीन महीन निकलेगा। देखिए इस तरह से कि आलू कितना अच्छा निकला है, पूरा अच्छा सब आलू को कर लिए हैं। अब इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे, जिस तरह से आटा सानती है ना, उसी तरह से इसको सानेंगे अभी कॉर्नफ्लोर का मिला के। ये 10 आलू है मीडियम साइज का, और चोखा बनाने के बाद 1 हो गया था, तो उसमें हम 1 से थोड़ा सा कम कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं और उसको हम आटा की तरह सानेंगे थोड़ा थोड़ा पानी देके। इस तरह से सानना है इसको, थोड़ा थोड़ा डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से सानना है। आटा के तरह खूब चिकना करके सानिएगा ताकि बनाने में गोल गोल इसका अच्छा से बनेगा। इसको सानते वक्त नमक स्वाद अनुसार दे दीजिएगा। इस तरह से सान लीजिएगा, चिकना करके खूब अच्छा से सान लीजिएगा हल्का हल्का पानी देकर। आटा जो साने थे उसका गोल गोल देखिए इस तरह से बना लिए हैं। उसके बाद थोड़ा हल्का इसे दबा दीजिएगा और उसके बाद ये बोतल जो है ना, बोतल में ऐसे रिफाइंड लगा करके इसको इस तरह से ऐसे हल्का दबाइएगा और उसके बाद इस तरह से इसको इस तरह से देखिए कितना अच्छा दिख रहा है मशरूम टाइप का। ये चूल्हा पर ये पानी चढ़ाए हैं, ये पानी खोल रहा है, ये पानी खोल रहा है और उसी में इसको हम डालेंगे और इसको 3-4 मिनट मतलब उबलेगा, उसके बाद अपने ऊपर आ जाएगा। ये सब ऊपर आ गया 2-3 मिनट में। अब इसको हम सब निकाल लेंगे इस तरह से, इसको इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए अब निकाल के सब, अब उसमें हम ठंडा पानी डाल रहे हैं ताकि ठंडा हो जाए, गर्म पानी में रहेगा तो खराब हो जाएगा, इसे एकदम ठंडा पानी डालना है इसमें। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसको इस तरह से निकाल करके और निकाल करके दूसरा बर्तन में इसे रख देना है। देखिए ग्रेवी बनाने के लिए ये हरी मिर्च काटे हैं, थोड़ा सा लहसुन काटे हैं, अदरक थोड़ा सा काटे हैं और यहाँ पर ग्रेवी बनाने के लिए चिली सॉस, टमेटो सॉस है, इसमें 2 टमेटो सॉस है, 1 चिली सॉस है और उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर घोल के पतला सा हल्का सा डालेंगे ताकि अच्छा से होगा और ऊपर से धनिया पत्ता डालेंगे। ये सब हम इस तरह से उबाल लिए हैं, अब ये ठंडा हो गया है, अब इसको छौंकेंगे। देखिए चूल्हा जला दिए हैं, कढ़ाई चढ़ा लिए हैं, अब इसमें रिफाइंड डाले हैं, अब इसको छौंकेंगे लहसुन को पहले छौंकेंगे। लहसुन थोड़ा सा हल्का लाल हो जाएगा उसके बाद अदरक लहसुन डाल। देखिए अब हल्का हल्का गुलाबी हो ही गया है लहसुन हल्का और होगा। अब अदरक भी डाल दे रहे हैं इसमें, उसके बाद हरी मिर्च भी डाल दे रहे हैं। लहसुन और अदरक हल्का हल्का गुलाबी हो गया, अब इसमें हम गाजर डाल दे रहे हैं। गाजर भी हल्का 2 भूंजना है। देखिए 2 गाजर को भूंजना है, ज्यादा नहीं भूंजना है। अब उसके बाद इसमें हम सॉस डाल देंगे, देखिए सॉस भी डाल दे रहे हैं, हो गया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, धनिया पत्ता भी डाल दे रहे हैं इसमें। अब हो गया है, अब 1 पानी इसमें डाल देंगे। देखिए 1 चिली फ्लेक्स भी इसमें डाल दिए हैं, पानी खोल
गया है ना, अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर डाल दे रहे हैं। तो अच्छा से चलाना है, नहीं तो गोल गोल दाना जैसा हो जाएगा। अब ये हो गया है, अब इसमें हम इसको डाल देंगे, ये जो बनाए हैं। अब ये पूरा अच्छा से मिल गया है, कोरियन चिली बन के तैयार है। अब आप लोग मेरा वीडियो का जो भी लोग देख रहे हैं उसके लिए थैंक यू। ये खाइएगा जरूर बना के, बहुत अच्छा लगेगा।